फ्रेंड्स आज हम चैप्टर थर्टीन पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे फर्स्ट है हमारा कंजेनिटल डिजीजेज एंड एक्वायर्ड डिजीजेज ऐसी डिजीजेस जो बाय बर्थ आती है वो कंजेनिटल डिजीजेस कहलाती हैं जैसे होल इन हार्ट ऑफ एन इन्फेंट किसी बच्चे के या किसी छोटे शिशु के हार्ट में होल होना एक्वायर्ड डिजीजेज अकर आफ्टर बर्थ एक्वायर्ड डिजीजेज

नॉन इन्फेक्शस कोजेज ऑफ डिजीज कोई जो डिजीज हो रही है उसके कारण इन्फेक्शस हो सकते हैं या नॉन इन्फेक्शस हो सकते हैं हम बात करें इन्फेक्शस कोजेज दीज आर द एक्सटेंसिक और एक्सटर्नल डिजीज कोजिंग फैक्टर्स ये बाहरी डिजीज कोजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं दे लीड टू इन्फेक्शस डिजीज जो कि इन्फेक्शस डिजीज को बढ़ाते हैं एंड कैन अफेक्ट होल कम्युनिटी एज दे आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर साथ ही साथ ये पूरी कम्युनिटी में फैल जाते हैं और एक पर्सन से दूसरे और इंटरनल डिजीज कोजिंग फैक्टर्स जो की होल कम्युनिटी एज दे आर नॉन ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर ये नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होते हैं डिफरेंस बिटवीन इंफेक्शस एंड नॉन इंफेक्शस इनफेक्शस डिजीजेस को हम कम्युनिकेबल डिजीजेस भी बोल सकते हैं नॉन इन्फेक्शस डिजीजेस को हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी बोल सकते हैं पहले हम देखते हैं इन्फेक्शस और कम्युनिकेबल डिजीजेस दे आर कोज्ड बाय अटैक ऑफ पैथोजेंस ये पैथोजेंस के अटैक के कारण होती हैं द डिजीजेस ब्रॉट अबाउट बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा लाई जाती हैं इन्फेक्शस डिजीजेस कैन पास फ्रॉम डिजीज्ड पर्सन टू अल्दी पर्सन इन्फेक्शस डिजीजेस जो होती हैं एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन में पास हो सकती है डिजीज पर्सन के द्वारा हेल्दी पर्सन में पास हो सकती है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रू डायरेक्ट और सम मीडियम लाइक एयर, वाटर, वेक्टर्स। ट्रांसमिशन इन्फेक्शन का एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से या पर्टिकुलर मीडियम के थ्रू हो सकता है मीडियम एयर वाटर और वेक्टर हो सकता है कम्युनिटी हाइजीन कैन रिड्यूस द इंसिडेंट ऑफ इन्फेक्शस डिजीजेस कम्युनिटी की स्वच्छता कम्युनिटी की साफ सफाई इन्फेक्शस डिजीज के प्रभाव को रोक सकती है एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कोलेरा ट्यूबरकुल जिसको हम टीवी बोलते हैं निमोनिया एंड चिकन पॉक्स नॉन इन्फेक्शस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस दे आर नॉट कॉज बायथजेंस जो कि पैथोजेंस के द्वारा नहीं होती है द डिजीजे आर मोस्टली ब्रॉड बाय इंटरेंसिक और इंटरनल फैक्टर्स जो कि इंटरनल फैक्टर्स के द्वारा लाई जाती हैं नॉन इन्फेक्शस डिजीजेस कैन नॉट पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती है एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन में पास नहीं होती है नॉन इन्फेक्श डिजीज में ट्रांसमिशन एबसेंट होता है किंतु कुछ हेरेडेटरी डिजीजेस होती हैं उनमें ट्रांसमिशन हो सकता है पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग कम्युनिटी हाइजीन इज इनफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ नॉन डिजीजेस कम्युनिटी हाइजीन से नॉन इन्फेक्शस डिजीजेस पे या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता है जैसे हाई ब्लड प्रेशर इसका एग्जाम्पल हो सकता है हार्ट डिजीज हो सकता है कुछ कॉमन कैंसर हो सकते हैं नेक्स्ट है इन्फेक्शस एजेंट्स ऐसे कौन कौन से एजेंट्स हैं जिनके थ्रू हमें कोई डिजीज होती है या हमें कोई बीमारी होती है फर्स्ट है वायरस वायरस के थ्रू हमें कॉमन कोल्ड हो सकता है इन्फ्लुएंजा हो सकता है डेंगू फीवर हो सकता है एड्स हो सकता है बैक्टीरिया टाइफॉइड फीवर कोलेरा ट्यूबरकुलसिस एंथ्रैक्स हो सकता है फंगी मैनी कॉमन इन्फेक्शस डिजीज प्रोटोजोन मलेरिया काला अजर वम्स वाम इन्फेक्शंस लाइक एलिफेंटियासिस एलिफेंटियासिस हमने डिस्कस किया था एक बीमारी होती है जिसमें एक पैर बहुत ज्यादा सूज जाता है ऐसी कौन कौन सी डिजीज हैं, जिनके अंदर इन्फेक्शस एजेंट्स हो सकते हैं उन्हें हमने कैटेगराइज किया नेक्स्ट हमारा है सेवरल टाइप्स ऑफ डिजीजेस कौन कौन सी डिजीज हैं जो किस मीडियम से हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हुई है जैसे बोर्न डिजीजेस दे आर कोज बाय जम्स बैक्टीरिया और वायरस इन द एयर एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कॉमन कोल्ड ट्यूबर कुलोसिस कुछ हो सकती है फूड के थ्रू जिन्हें हम बोलते हैं फूड बोर्न डिजीजेज दे आर कोज्ड बाय जम्स बैक्टीरिया टॉक्सिन टॉक्सिन वायरसेज फंगी प्रजेंट इन द फूड जो कि फूड में अवेलेबल होते हैं उनके कारण हम लोगों को कोई ना कोई डिजीज हो गई जैसे फूड पॉइजनिंग टाइफॉइड वॉटर बोर्न डिजीजेस क्या हो सकती हैं? अगर हमने कंटेमिनेटेड वॉटर को ड्रिंक किया कंटामिनेट वॉटर कंटामिनेटेड वॉटर को पी लिया तो हम लोगों को क्या हो सकता है कोलेरा हो सकता है जिसे हम हेज़ा बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिजीजेस दे अकर बिकॉज ऑफ पुअर और अनहेल्थी लाइफ स्टाइल एग्जाम्पल हो सकते हैं हर्ट डिजीज डाइबिटीज वैक्टर बोर्न डिजीजेज दे आर कॉज ये जानवरों के कारण होती है, जो कि को एक sick person से दूसरे में ले के जाते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास हो सकता है मलेरिया डेंगू फीवर जो कि मॉस्किटोज के काटने से होते हैं अब वेक्टर्स क्या होते हैं दीज दैट एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन डिजीज कॉजिंग जर्म्स एंड पीपल आर कॉल्ड वेक्टर्स ऐसे जानवर जो इंटरमीडिएट का काम करते हैं डिजीज कॉजिंग जर्म्स और पीपल के बीच में उन्हें हम वेक्टर्स बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजे दे आर कोज्ड ड्यू टू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर ऐसी डिजीजेज जो कि सेक्सुअली कॉन्टेक्ट एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है उन्हें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहते हैं एड्स सिफ्लीज इसका एग्जाम्पल है नेक्स्ट है इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन Infl Infl एक टाइप से हमारी बॉडी के अंदर एक सेल्स को जनरेट कर देता है जिनके कारण डिजीज कोजिंग जो जर्म्स कभी आए तो उनसे वो सेल्स लड़ सके आवर बॉडी हैज एन इम्यून सिस्टम इन विच इट क्रिएट्स सेल्स दट कैन फाइट अगेंस्ट द डिजीज कोजिंग जम्स दिस प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग सेल्स टू किल एजेंट प्रॉडी इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन इस प्रोसेस में बहुत सारी सेल्स रिक्रूट की जाती है ताकि इन्फेक्शस एजेंट जब भी आए या हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट इन्फेक्शस एजेंट है वो उन सेल्स के द्वारा मार दिए जाए प्रिंसिपल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं वी मे ट्रीट एन इन्फेक्शस डिजीज इन टू वेज बाई किलिंग द इन्फेक्शस एजेंट्स या तो उन इन्फेक्शस एजेंट्स को खत्म कर दिया जाए या फिर बाई रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज और रिड्यूसिंग द सिमटम्स या फिर सिम्टम्स को कम किया जाए या पर्टिकुलर कोई डिजीज है उसके इफेक्ट्स को कम किया जाए अब इनको रिड्यूस करने के लिए हम सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए दो मेथड्स यूज करते हैं बाय टेकिंग रेस्ट या तो आराम करके बाय टेकिंग मेडिसिन या फिर हम उस पर्टिकुलर डिजीज की कोई मेडिसिन यूज करके ओके थैंक यू वेरी मच